हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक शूज़ का जो कि मैंने ख़रीदे हैं अमेज़ोन से, और ये मैंने बहुत सस्ते में ख़रीदे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले मैं बिगर टाइम वेस्ट किए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। चलो अब देखते हैं जूते हैं कैसे। बैग के अंदर एक और बैग है। पैकिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको ये शूज़ दिखाता हूँ। इसका बॉक्स रख देते हैं हम साइड में। इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का है। तो ये शूज़ ऐसे दिखते हैं, देखें आप। अब देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं ये शूज़। ये शूज़ मैंने ख़रीदे हैं अमेज़ोन से, और जब मैंने इन शूज़ों को मंगाया तो जब मैंने इनको देखा, मेरे को लगा फ़ोटो में कुछ और होता है और आएगा कुछ और, क्वालिटी बहुत बेकार होएगी, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल लाइट वेट शूज़ हैं ये, और जो आगे का पोर्शन है इसका वो बिल्कुल ही हार्ड है, दबी नहीं रहा ये यहाँ से। तो अगर आप इसको पहन के राइड करते हैं, तो अगर आप कहीं पे गिरते हैं या कुछ होता है, या आपका पाँव ज़मीन पे लगता है बाइक राइड करते हुए, तो आपको चोट नहीं लगेगी, बचाव हो जाएगा। इसके अंदर भी एक वैक्सीन लगा रखी है इन्होंने, जिससे आपको बहुत कंफर्ट फील होगा पहनने के बाद, ये बहुत कंफर्टेबल लगेगा। इसकी शॉल भी बहुत अच्छी है, बस इसमें एक कमी है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। ये वाटरप्रूफ सिर्फ यहीं तक है, अगर शू लेस तक वाटर आता है तो शू के अंदर पानी चले जाएगा और आपके जूते भीग जाएंगे, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होएगी। अगर आपको लंबी राइड करनी है तो उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होएगी। तो इस चीज़ के बारे में फिर मैंने सोचा, तो मैंने कहा यार इसका क्या इलाज किया जाए। तो फिर मैंने गूगल किया तो मेरे को मिला जो कि है ये रेन शू कवर। ये मैंने परचेज़ किया, ये मेरे को पड़ा 600 का, और मैंने इसको जब लिया तो मैं, ये मेरे पास आया तो मैंने इसको देखा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मेरे को लगा हो गया अपना काम, हो जाएगा सब कुछ ठीक, मगर ये वाले शूज़ इसके अंदर घुसे ही नहीं, ये इतना छोटा है। तो आप अगर लेना चाहते हैं, अगर आप 8 नंबर का शूज़ पहनते हैं, तो आप 12 नंबर का कम से कम ये कवर लें, 12 से 14 नंबर का। अगर बड़ा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रबड़ बैंड लगा के उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मगर छोटा होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये वेस्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इतना खुला है, मगर इसके अंदर शूज़ जा नहीं रहा मेरा। ये बहुत ज़्यादा खुला है मगर शूज़ इसके अंदर जा नहीं रहा। तो आप जो भी करें देख के करें और सोच समझ के लें, पैसा वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। तो अब मेरे को ये दूसरे लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं ये पहन के करने वाला हूँ लद्दाख राइड, तो इसका टेस्ट असली वहाँ पे होगा। ये कैसे चल रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बहुत अच्छे हैं। जो भी हैं आपको मेरी लद्दाख ट्रिप में देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये पहन के, कि ये पहनने के बाद कैसे दिखते हैं। अगर आप ये वाला शूज़ लेना चाहते हैं अमेजोन से तो आप ले सकते हैं। शूज़ का नाम है पैरा टूपर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा टूपर्स, और इधर भी। जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, इसको सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे शूज़ नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं उसमें एक कर्व वाला भी होगा, वो भी ले सकते हैं, और लो एंकल वाला भी होगा, वो भी ले सकते हैं। एंकल आप अपनी हाइट के हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाके चेक करके ले सकते हैं। तो आपको कौन सा चाहिए, कितने नंबर का चाहिए, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये शूज़ बहुत अच्छा शूज़ है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेट है, भारी नहीं है ये शूज़। तो लो के वहाँ से तो आपको पड़ेगा है 989 का, जो कि बहुत चीप है। सिर्फ 3 डिजिट में आपको एक बहुत अच्छा शूज़ मिल रहा है। मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं कर रखा, मैं खुद इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप जाके देखिए और सोच समझ के शूज़ खरीदें। मार्केट से भी ले सकते हैं, मगर 3,500-4,000 रुपये जैसे मैंने आपको बताया उससे स्टार्ट है लो एंकल वाले। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा चाहिए, ये भी जूते बहुत अच्छे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं पहनने के बाद कैसे दिखते हैं, बहुत अच्छी लुक आती है इनको पहनने के बाद, और बहुत अच्छे शूज़ हैं। और मेरी हाइट का, मैं तो, मेरी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ गई है पहनने के बाद, तो मेरे को तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं ये शूज़।
नहीं तो कई शूज़ यहाँ पे आपके लगते हैं जो हाई एंकल शूज़ होते हैं, मगर इसमें वैसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे। जो इन्होंने ये रैक्सीन दे रखी है साइड में वो बहुत अच्छी है। तो अच्छे शूज़ मिल गए हैं मेरे को, तो अब मैं ये पहन के जब लद्दाख राइड करूँगा तो असली टेस्ट उनका वहाँ पे होगा, ये कैसे चल रहे हैं, इनमें क्या कमी है। तो आप देखना मेरी वो सारी वीडियोस, अगर मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हो और गियर्स के बारे में और भी एसेसरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी एसेसरीज़ की रिव्यू करने वाला हूँ और जिसमें बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।